राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए, बोलो। राधे राधे गुरु जी, मैं मुंबई से आई हूँ, पहली बार वृंदावन आई आपके दर्शन करने के लिए। मेरे पति आपके बहुत 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 आपको मानने लगे हैं, जब से आपको मान रहे हैं बहुत उनमें चेंजेस है, बट सिर्फ मैं एक बात से हमेशा उनसे थोड़ा सा परेशान रहती हूँ, थोड़ा घर वाले भी परेशान रहते हैं कि आज वो 8-10 साल से शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते जा रहे हैं और बहुत कुछ खो दिया उन्होंने, बट फिर भी वो हम सभी मना करते हैं बट वो मानते नहीं हैं। बाकी बिहारी की बड़ी कृपा है, मैं भी बहुत अच्छा कमाती हूँ, मेरे ससुर जी भी बहुत अच्छा कमाते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये पैसे जो शेयर मार्केट में डालते हैं ये कुछ सत्कर्म कर ले, कुछ अपने लिए कर ले, बट मार्केट में डाल करके उसे जीरो ना कर दे बस। ये एक बहुत बड़ा सट्टा है जो कि आज बहुत तेजी से बढ़ रहा है सारे संसार में। तो आए हैं आपके पति देवता? हाँ जी, आपकी तो बात बहुत बात अच्छे से मानते हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। मेरा नाम अनिल दुबे है। अच्छा अनिल। हाँ, बहुत सुंदर। हमारा भी नाम अनिल है। हाँ सर, स्कूल का। मुझे मालूम है सर, इसीलिए मैंने बोला। खुश रहिए जी, बताइए अनिल जी, कितना प्रॉफिट हुआ अभी तक आपको? सर एक्चुअली कोरोना काल में बहुत लॉस हो गया, नहीं तो पहले प्रॉफिट हो गया, कुछ 5 लाख का लॉस हो गया सर। 5 लाख गए? हाँ। तो शेयर मार्केट में कितने ऐसे लोग हैं जिनका सब बढ़िया हो चुका है, अच्छा बन चुके हैं, करोड़पति हो गए हैं? कोरोना काल के बाद तो बहुत लोग बन गए, लेकिन हम नहीं बन पाए क्योंकि उसके कोरोना काल में ही हम बहुत लॉस हो गया हमारा। इसलिए ये ठीक है आपने जो किया अभी तक भूल जाइए, लेकिन आइंदा आगे से मत करिए, ये एक प्रकार का सट्टा है। एक प्रकार का सट्टा है, आया तो आया, नहीं जो था वो भी गया है ना। शेयर मार्केट चढ़ते उतरते रहते हैं, आगे पीछे होते रहते हैं, इनका कोई कितना भी बड़ा आदमी ये सोच के कहे नहीं जी अब बढ़ेगा शेयर, तो नहीं, जिसने बढ़ने के जो बहुत बड़ा जानकार था उसके भी डूब गए पैसे। हाँ, कितने मेरी नजर में ऐसे हैं जो बर्बाद हो गए, एक आप इकलौते पहले नहीं है। ठीक है, बहुत लोग, इसलिए ये एक लत है, एक आदत है, एक नशा है, इससे आपको अपने आप को दूर रखना है और अपने बच्चों को भी दूर रखना है। ये एक नशा है जो मेहनत का है अपना जी, मेहनत करके कमाओ, शेयर से कमाना फिर सभी करने लग जाए तो बर्बाद हो जाएगा सारा आदमी। ठीक है ना, इसलिए आप मेहनत करिए, मेहनत करके पैसा कमाइए, काम कीजिए, शेयर के बल पर सब नहीं। हाँ, किसी को लग गई तो हो गया, लेकिन वो फिर आदत बनाए तो आज प्रॉफिट हुआ है, कल नुकसान भी होगा, इसलिए हर समय प्रॉफिट है ऐसा नहीं है। मेरे पास भी लोग आते हैं ये प्रश्न लेकर कि हमारा बड़ा नुकसान हो गया, लाखों डूब गए, पहले हमने 50,000 लगाए थे वो 40,000 ही बचे हैं, अब क्या करें, तो ऐसे ही चलता है। इसलिए इस चक्कर में कभी नहीं पड़ना है, अब से मेहनत करके खाना है। ठीक है सर। ठीक है, जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण गुरु जी। जय श्रीमन्नारायण गुरु जी। जो हमने संकल्प लिया था सुंदरकांड का पाठ करने का, वो काफी दिन से करते करते वृंदावन आकर के हमारा संकल्प पूरा हो गया, हम भगवान से एकादशी के व्रत में और सुंदरकांड का पाठ करते करते बस यही रात्रि मांगा करती थी कि प्रभु हमें वृंदावन का दर्शन करवा दीजिए, बिहारी जी ने बुला लिया, अब सब कुछ लगता है कि का मिल गया, अब गुरु जी बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि जब मरे तो सुहागन मरे और दूसरा जब वृंदावन आए तो श्रीमद् भागवत कराने के उद्देश्य से आए। बिल्कुल बिल्कुल, भागवत जी बुलाएंगे और बिहारी जी बुलाएंगे आपको, ठीक है। वृंदावन में आके जो व्यक्ति भगवान से जो मांग लेता, बिहारी जी इतने उदार हैं, सब कुछ लुटा देते हैं। ठीक है, भगवान आपको सुखी रखें। आज की प्रश्नोत्तरी यहीं विश्राम करेंगे, कल फिर 7 बजे प्रश्नोत्तरी होगी।